ले वो आकाशवाणी और फिर ब्रह्मदेव और प्रभु नारायण का ऐसे क्रोध में बाहर आना, अवश्य ही कुछ बहुत ही अनुचित हुआ है भीतर। मैं भीतर जाता हूं। माता सती को देखकर नंदी की यह दशा है तो यदि महादेव को ज्ञात हो गया तो प्रलय आ जाए, फिर इस संसार का विनाश निश्चित है। माँ, ये क्या हो गया? माँ उठिए, माँ माँ उठिए ना, माँ उठिए, माँ माँ उठिए ना, माँ आप हमें छोड़ के नहीं जा सकती, माँ उठिए, माँ माँ की प्रतीक्षा कर रहे हैं आप सब? यज्ञ की रक्षा करना आप सबका धर्म है। रोकिए दुर्बुद्धि को। मेरी अग्नि के प्रहार से तुम नहीं बच पाओगे। हर हर महादेव।
ये कैसे हो सकता है? मेरे प्रहार से बच पाना तो असंभव है। मैं तुम्हें इस तरह से जमा दूंगा कि तुम अपने स्थान से हिल भी नहीं पाओगे। यज्ञ की सुरक्षा करने के लिए मुझे वायु शक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा। लगता है मुझे अपना स्वरूप बदलना होगा ताकि मेरा भार बढ़ सके और वायु के प्रभाव के विरुद्ध मैं भूमि पर स्थिर रह सकूं। नंदी पर किसी भी देवता के वार का कोई असर नहीं हो रहा है। अब मुझे ही इसे रोकना होगा। नंदी, तुमने मुझे विवश कर दिया है वज्र का प्रहार करने के लिए। देवता नंदी को रोकने का प्रयास कर रहे थे, पर यदि कोई इतनी निर्ममता से एक बालक से उसकी माँ को छीन ले तो उस बालक के क्रोध के सामने देवता भी ठहर नहीं सकते। सभी देवता नंदी और शिवगणों पर एक साथ मिलकर प्रहार कर रहे थे, पर शिवगणों ने तो कभी पीछे हटना सीखा ही नहीं था। ना उनकी आंखों में भय था, ना मृत्यु की आशंका था, तो बस फुंकारे मारता दुख की ऊष्मा से दहकता क्रोध का सागर। माँ, Ah!
चलो नंदी जी की सहायता करते हैं। इस तुच्छ शुभ भक्त को ज्ञात होगा कि प्रजापति दक्ष को ललकारने का क्या परिणाम होता है, जिसके कहने पर देवता भी आक्रमण करने के लिए विवश हो गए। देवगण द्वारा शिवगण के ऊपर आक्रमण करना उचित नहीं है। तब क्या होगा जब शिव जी को इन सारी घटनाओं के बारे में ज्ञात होगा? सती मुझे दिख क्यों नहीं रही? सती, सती, प्रभु मदद, प्रभु। श्रृंगी, तुम सब क्या हुआ? किसने किया ये सब? नंदी, सती कहाँ है? हुआ क्या है तुम्हें नंदी? प्रभु, नंदी क्या हुआ तुम्हें? तुम सब फोन क्यों? श्रृंगी, बताओ, उत्तर दो मुझे। ऐसा क्या हुआ है जिसके कारण नंदी की जीभ लड़खड़ा रही? क्या हुआ वहां? और तुम सबकी ये दशा किसने की? क्या प्रजापति दक्ष ने? और सती के वहां होते ये कैसा संभव है? जब तुम पर आक्रमण हुआ तो सती वहां नहीं थी। तो वो वहां नहीं थी तो कहां थी? प्रभु, नंदी, श्रृंगी, आंसू तुम जैसे योद्धाओं को शोभा नहीं देते। निश्चित ही वहां कुछ हुआ है। तुम्हारी इस दशा का कोई ना कोई कारण अवश्य है। बताओ, किसने किया है दुस्साहस? किसने किया है दुर्व्यवहार? और सती कहां है? तुम्हारे संग लौटकर वापस क्यों नहीं आई? क्या तुम सबके साथ इस व्यवहार के बाद भी तुम्हें लगता है कि मेरा उनको रोकना अनुचित था? वो मुझे छोड़कर अपने पिता के साथ? नहीं, ये कदापि संभव नहीं है। आपने सही कहा प्रभु, मां ने दक्ष के साथ अपने सारे संबंध तोड़ दिए थे। उन्होंने घोषणा की थी, आज से, इसी क्षण से, मैं आपकी पुत्री नहीं हूं प्रजापति, और इसीलिए अब मैं आपको अपने जीवन से, अपने अस्तित्व से बहिष्कृत करती हूँ। अब से दक्षायनी नहीं कहलाई जाएंगी,
उन्हें अपनी भूल का आभास और आपका सुझाव ना मानने की ग्लानी इतनी बड़ी थी कि क्या नंदी, कि क्या? बात अधूरी मत छोड़ो नंदी, तुम्हें अनुमान भी है कि मेरा मन कितना विचलित हो रहा है। ये संसार मुझे स्थित प्रज्ञ बुलाता है, क्योंकि मैं किसी भी परिस्थिति में स्थिर रहता हूं। कैसे बताऊं कि मेरा मन इस समय कितना अस्थिर है? तुम दोनों मेरे सबसे प्रिय गण हो, नंदी और श्रृंगी। तुम्हें तो ज्ञात हो गया होगा कि मेरे हृदय के भीतर कितना बड़ा चक्रवात उत्पन्न हुआ है। मन कांप रहा है, आशंका के थपेड़ों से विश्वास की लोम डगमगा रही है। अपने कैलाश पर भी मेरे लिए एक श्वास लेना दुर्बल हो रहा है। मुझे सती का अनुभव नहीं हो रहा नंदी, मैं उन्हें अपनी मन की आंखों से भी नहीं देख पा रहा। अगर मेरा शीघ्र ही उनसे मिलन नहीं हुआ तो अनर्थ हो जाएगा। नंदी बताओ मुझे, कहां है तुम्हारी माँ? माँ सदैव के लिए आप में लीन हो गई प्रभु। से संभव है जो इस संसार का अस्तित्व है, जिनकी शक्ति सृष्टि के हर प्राणी की देह को गति देती है, उनकी देह को कोई हानि कैसे पहुंचा सकता है? कैसे पहुंचा सकता है? सती, सती, सती! सती के लिए महादेव का प्रेम जितना अधिक था, उनकी पीड़ा उससे भी अधिक। किंतु पूरे संसार में भय इस बात का था, तब क्या होगा जब सभी को उनके क्रोध से सम्मुख होना पड़ेगा।